हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। और अब मैं अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ फ्रॉम एनिमल साइंस से। तो मुझसे ये जर्नी के बारे में मेरा पूछा गया था कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मैंने अपना एडमिशन कैसे लिया और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जब कोविड का टाइम था 2020 में, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं अप्लाई कर रही थी, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, जर्मनी के लिए अप्लाई किया। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के वजह से मुझे एडमिशन मिलने में बहुत ज़्यादा डिले हो गया। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड ओके ठीक है, थोड़ा होल्ड ले लेते हैं। फाइनली इन 2022 के एंड में मैंने अप्लाई किया यूके के लिए। तो आई हैड अप्लाइड फॉर द मास्टर्स इन एनिमल साइंस। मेरा हमेशा से था कि हाँ, मुझे मास्टर्स करना है लेकिन एनिमल साइंस में ही करना है। तो मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे एक एबर्टस्विथ यूनिवर्सिटी है, वेल्स में है। जैसे जो पूरा यूके है ना, यहाँ पे इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ये सब सारे आसपास है। तो मैंने वेल्स के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे उसमें मतलब मेरा जो कैस्ट लेटर था, तो मुझे वेल्स से आ गया था, एबर्टस्विथ यूनिवर्सिटी से। और चूंकि मैं स्कॉलरशिप्स भी देख रही थी, तो मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप होल्डर हूँ बेसिकली। तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल वेल्स स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया। इसके लिए फिर मुझे SOP भेजना था, मैंने SOP भी भेजा। और पूरे वेल्स में सिर्फ 24 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम होल वर्ल्ड। टोटल 24 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे फॉर दिस ग्लोबल वेल्स स्कॉलरशिप, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 10 लाख का आपको स्कॉलरशिप मिलता है, 10 लाख आपके कॉलेज फीस से माफ कर दिया जाता है। तो मेरी जो कॉलेज फी थी ना, वो 18 लाख थी। 18 लाख में 10 लाख जो है वो मेरा डिडक्ट हो गया था, तो मुझे सिर्फ 8 लाख पे करना पड़ा था। एज वेल एज इसमें फ्री एकोमोडेशन भी मुझे मिला है। जो एबर्टस्विथ यूनिवर्सिटी है ना, ये कंट्री साइड में, तो मुझे यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन भी दिया गया था। तो अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स के लिए यहाँ पे। बट एक बार यूके के रूल्स वगैरह आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी जनवरी इनटेक के बाद से ना यूके के रूल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रूल्स एक बार देख लो और एक बार कंसल्टेंट ये सबसे भी बात कर लो। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँगी कि पता है, मैंने ना खुद से अप्लाई किया था, मैंने अपना सब काम खुद से करा है। मैंने अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करना हुआ, कंसल्टेंट से मैंने हेल्प ली है, बट कंसल्टेंट से सिर्फ मैंने गाइडेंस लिया है। वो मुझे थ्रू आउट द जर्नी गाइड किए हैं कि हाँ, यहाँ पे आप ऐसे अप्लाई करो। SOP में मेरी उन्होंने हेल्प कर दी, जहाँ जहाँ मुझे गाइडेंस दिए थे, तो वहाँ वहाँ, लेकिन सब कुछ मैंने खुद से किया। और सब कुछ खुद से करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है, कि कंसल्टेंट्स आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं करते हैं। और ये चीज़ मेरे बहुत सारे मतलब और भी कलीग्स हैं जिनसे, सॉरी कलीग्स तो नहीं कहेंगे, वो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, जिनसे मेरी बात हुई और मुझे ये पता चला, उनसे लोग 10-10, 12-12 लाख भी कंसल्टेंट चार्ज किए हैं। जो काम मेरा जीरो कॉस्ट पे हुआ है, उनके लिए 10-10, 12-12 लाख रुपए भी चार्ज किए, फ्रॉम द पंजाब और दिल्ली साइड, ये सब के मेरे जो नोन पर्सनस हैं, उन लोग से उन्होंने तो मुझे यही सब चीज़ें बताई। तो आप एक बार देख लेना वो चीज़ें। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार मतलब खुद से ही सब चीज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर खुद से नहीं हो रहा, तो कंसल्टेंट से सिर्फ आप सपोर्ट लो, और वो भी रेपुटेटेड कंसल्टेंट से, जैसे IDP हो गया, आप IDP से सपोर्ट ले सकते हो। तो आप इस तरह से कर सकते हो आराम से। और बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, मुझसे पहले पूछा गया था कि मैं यहाँ पे कैसे हुई, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है और अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं इन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ आराम से। तो आप मेरे LinkedIn प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, कि मैं वहाँ पे अपने हमेशा रेगुलर बेसिस पे डालती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है मेरे। तो आप LinkedIn प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, मैं भी डाल दूंगी LinkedIn प्रोफाइल का। और साथ ही ग्लोबल वेल स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हो, अगर आप सेप्टेम्बर इनटेक के लिए देख रहे हो तो, क्योंकि सिर्फ सेप्टेम्बर इनटेक के लिए ही स्कॉलरशिप ओपन। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप है, चिविंग स्कॉलरशिप है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, स्कॉलरशिप हमेशा देखते रहो। मेरा जो स्कॉलरशिप जो था ना, वो मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप ढूंढे, बहुत जगह अप्लाई किया, कुछ इंडिया वाले भी थे, कुछ अब्रॉड वाले भी थे, कुछ ग्लोबल वाले भी थे, उन सब में मुझे जाकर के ये चीज़ मिला है। तो आप इस तरह से करके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ बहुत ही अलग है, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। एक्चुअली अभी मैं नई नई आई हूँ और ठंड भी, पता है ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बहुत नींद आती है यहाँ पे। बाकी बस स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है पार्ट टाइम, क्योंकि मैं जिस रीजन में रहती हूँ वहाँ पे जॉब बहुत ही कम है। तो एबर्टस्विथ में सचमुच जॉब बहुत कम है, मुझे तो अभी तक नहीं मिली। तो इसी तरह से, बट हाँ, वहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें फ्री एकोमोडेशन मिल जाता है, खाना खुद से बनाना रहता है, और कई बार तो आपको फ्री स्टफ्स भी कॉलेज से मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपको फ्री स्टफ्स भी प्रोवाइड करती है। तो सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक खर्चा होगा, मतलब 30-40 pounds में एक मंथ का मेरा निकल जाता है, कुछ ऐसा रहता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। हो सके तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी, अदरवाइज अगर उसके लिए एक वीडियो बनाना हो तो मैं वो भी बना दूंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।